हरिओम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के चौथे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। रोज की जैसे प्रार्थना से ही हम शिविर की शुरुआत करते हैं, तो सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। स्वस्तिकासन या सीधी मांडी डालकर आप बैठ सकते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। आराम से आंखें खोल लीजिए। स्वस्तिकासन छोड़ना है। दोनों हाथ कमर के बाजू में, एक पैर सीधा, दो, दूसरा पैर सीधा, तीन, दोनों पैर मिला लीजिए, चार। दंड स्थिति में आना है। बायां पैर पास लीजिए, एक, दाहिना पैर पास लीजिए, दो, दंड स्थिति पूर्ण, तीन। पूरक प्रक्रिया, पूर्व स्थिति में आइए, बायां पैर बाईं तरफ, तो चौथे दिन की शुरुआत में भी पहले हम पूरक प्रक्रिया जो सीखे हुए हैं वो फिर एक बार करके देखेंगे। जैसे लचीलापन बढ़ते जाएगा, हमें आसनों के लिए उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो 1 से 12 सारी प्रक्रियाएं एक बार हम करके देखते हैं। तैयार हो जाइए। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर, एक, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकिए, दो, सांस लेते हुए कमर से सीधे हाथ ऊपर, तीन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ बाजू से नीचे, चार। स्वस्थ, रिलैक्स प्रकार गूल के लिए तैयार। शुरू करते हैं। सांस लेते हैं दोनों हाथ बाजू से कंधे की लाइन में, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर पैर के अंगूठे के पास, दो, सांस लेते हुए सीधे, तीन, सांस छोड़ते हुए विरुद्ध दिशा में, चार, सांस लेते हुए सीधे, पांच, सांस छोड़ते हाथ नीचे, छह। पूरी प्रक्रिया 3 करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ बाजू से कंधे की लाइन में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से पीछे घूमना है, दो, सांस लेते हुए सीधे हो जाइए, तीन, सांस छोड़ते हुए दाहिने से पीछे, चार, सांस लेते सीधे, पांच, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, छह। बहुत ही अच्छे। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 4,
सांस लेते हाथ कमर पर, एक, सांस छोड़ते कमर से आगे झुके, दो, सांस लेते हुए कमर से सीधे, तीन, सांस छोड़ते हुए कमर से पीछे, चार, सांस लेते हुए सीधे, पांच, सांस छोड़ते हाथ नीचे, छह, पूरे प्रक्रिया क्रमांक पांच, सांस लेते हाथ कमर पर, एक, सांस छोड़ते कमर से बाएं झुके, दो, सांस लेते सीधे, तीन, सांस छोड़ते दाहिने झुके, चार, सांस लेते सीधे, पांच, सांस छोड़ते हाथ नीचे, छह, पूरा प्रक्रिया क्रमांक छह के लिए तैयार, कमर का गोल चक्र, सांस लेते हुए हाथ कमर पर, एक, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, दो, सांस लेते बाएं से पीछे, तीन, सांस लेते पीछे, चार, सांस छोड़ते दाहिने, पांच, सांस छोड़ते आगे, छह, सांस लेते रिवर्स, सात, सांस लेते पीछे, आठ, सांस छोड़ते दबाएं, नौ, सांस छोड़ते आगे, दस, सांस लेते कमर से सीधे, ग्यारह, सांस छोड़ते हाथ नीचे, बारह, रिलैक्स, पूरा प्रक्रिया क्रमांक सात और आठ गर्दन के लिए तैयार, दोनों हाथ कमर पर, एक, गर्दन आगे दबाइए, दो, गर्दन सीधी, तीन, गर्दन पीछे, चार, गर्दन सीधी, पांच, गर्दन बाईं तरफ, छह, गर्दन सीधी, सात, गर्दन दाहिनी तरफ, आठ, गर्दन सीधी, नौ, हाथ नीचे, दस, बहुत ही अच्छे, पूरे प्रक्रिया क्रमांक आठ, गर्दन का चक्र, हाथ कमर पर, एक, गर्दन आगे, दो, बाएं से चक्र शुरू, तीन, पीछे, चार, दाहिने, पांच, आगे, छह, रिवर्स, सात, पीछे, आठ, बाएं, नौ, आगे, दस, गर्दन सीधी, ग्यारह, हाथ नीचे, बारह, रिलैक्स, पूर्व प्रक्रिया नंबर नौ, कमर का चक्र है तैयार, सांस लेते दोनों हाथ सामने से ऊपर, एक, सांस छोड़ते कमर से आगे झुकिए, हाथों की नमस्कार अवस्था, दो, सांस लेते हुए बाएं से चक्र शुरू, तीन, सांस लेते पीछे, चार, सांस छोड़ते दाहिने, पांच, सांस छोड़ते आगे, छह, सांस लेते लेते दाहिने, सात, सांस लेते पीछे, आठ, सांस छोड़ते बाएं, नौ, सांस छोड़ते आगे, दस, सांस लेते हाथ ऊपर, ग्यारह, सांस छोड़ते दोनों हाथ बाजू से नीचे, बारह, बहुत ही अच्छे, पूरे प्रक्रिया क्रमांक दस करेंगे, शुरू करते हैं, सांस लेते दोनों हाथ सामने से ऊपर, एक, इडिया उठाइए, सांस छोड़ते घुटने से नीचे बैठे, दो, कोशिश करें इडिया जमीन को ना लगे, सांस लेते हुए सीधे, तीन, सांस छोड़ते हाथ नीचे, इडिया नीचे, चार, बहुत ही अच्छे, पूरा प्रक्रिया नंबर ग्यारह कलाई के लिए है, बायां हाथ आगे, एक, दाहिने हाथ से कलाई के पीछे पकड़ लीजिए, दो, चक्र शुरू, एक, दो, तीन, रिवर्स, एक, दो, तीन, दाहिने हाथ नीचे, एक, बाएं हाथ नीचे, दो, दाहिने हाथ से करेंगे, दाहिने हाथ फोल्ड, एक, बाएं हाथ से दाहिनी कलाई पकड़िए, दो, चक्र शुरू, एक, दो, तीन, रिवर्स, एक, दो, तीन,
नीचे एक, दाहिना हाथ नीचे दो, इसी प्रकार एंकल जॉइंट के लिए प्रकार 12, बाया पैर ऊपर उठाइए एक, दोनों हाथों से पैर को ठीक से पकड़ना है दो, रोटेशन शुरू एक दो तीन, दूसरी दिशा से एक दो तीन, हाथ नीचे एक, बायां पैर नीचे दो, दाहिने पैर से दाहिना पैर उठाइए एक, दोनों हाथों से सपोर्ट करें दो, चक्र शुरू एक दो तीन, विरुद्ध दिशा से एक दो तीन, हाथ नीचे दाहिना पैर नीचे, पूरा प्रक्रिया छोड़कर पैर मिला लीजिए दंड स्थिति एक। अब दंड स्थिति से आपको बैठक स्थिति जाना है, एक में घुटने फोल्ड करके हाथ नीचे एक, दो में बायां पैर आगे दो, दाहिना पैर आगे तीन, बैठक स्थिति से शयन स्थिति जाएंगे, हाथों के आधार पर एक, शयन स्थिति पूर्ण दो, शवासन करेंगे, पैरों में अंतर एक, हाथ थोड़े से दूर दो, गर्दन बाई या दाहिनी तरफ तीन, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। जो अलग अलग 12 पूर्व प्रक्रिया हमने की है, उसे करते समय अगर शरीर में कुछ ज्यादा तनाव हुआ है उसे कम करने का प्रयास करें। मन शांत, सांस पर कोई बंधन नहीं, सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए। मंद श्वसन, मंद श्वसन, श्रमे जाते शवासनम, शवासन करने से सारे श्रम कम हो जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी एक, हाथ शरीर के पास दो, पैर मिला लीजिए तीन, बैठक स्थिति एक दो, बैठक स्थिति पूर्ण। इस प्रकार पहले हमने पूरा प्रक्रिया की है, अब हम करेंगे जो कल आसन सीखे थे उसका थोड़ा एक बार रिवीजन करेंगे। तो पहला आसन हमने देखा था द्विपाद उत्तान पादासन, तो पहले करके देखेंगे। जैसे कल आपको बताया गया था कि द्विपाद मतलब दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, इसे कहते हैं द्विपाद उत्तान पादासन। इसके लाभ भी हमने कल देखे हैं कि पेट पर अच्छा सा दबाव आता है तो पेट का मोटापा कम हो जाएगा, दोनों पैर आकाश की दिशा में आते हैं तो जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण पैरों का जो अशुद्ध खून है हृदय की तरफ आने के लिए इसका लाभ हमें मिलता है। सावधानी इतनी ही करनी है कि झटका ना दे, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर जिसको दोनों पैरों से एक साथ नहीं होता है, एक एक पैर से करें तो भी चलेगा, ठीक है। तो करके देखते हैं हम लोग, फिर एक बार शयन स्थिति एक दो। अब शयन स्थिति से हम करते हैं द्विपाद उत्तान पादासन, शुरू करेंगे। सांस छोड़िए, सांस भरते भरते दोनों पैरों को आराम से ऊपर उठाइए एक, 90 डिग्री का लाइन स्थिर करें, घुटने सीधे, हाथ जमीन पर टिके हुए हैं, पैरों के अंगूठे आकाश की दिशा में, सांस जैसे चल रही है, सांस रुकनी नहीं है, कुछ समय के लिए थोड़ा स्थिर रहे, बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन जितना समय स्थिर रहे उसके लाभ बढ़ते जाते हैं, कोशिश करेंगे स्थिर रखने की। अब आसन हमें छोड़ना है, पहले सांस भरें और सांस छोड़ते दोनों पैर आराम से नीचे एक, रिलैक्स रिलैक्स, शरीर ढीला। और एक बार करके देखते हैं, तैयार, सांस छोड़िए, सांस भरते पैरों को उठाइए एक, आसन पूर्ण, संत श्वसन, शरीर को स्थिर रखने का प्रयास, सांस रोकनी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। अगर पैरों में कम है तो थोड़ा और रिलैक्स करें, बहुत ही अच्छे।
आसन को छोड़ना है, सांस लीजिए, सांस छोड़ते दोनों पैर आराम से नीचे, शरीर ढीला, शयन स्थिति से बैठक स्थिति आएंगे, हाथों के कोहनी पर, बैठक स्थिति पूर्ण, दो बैठक स्थिति स्वस्थ करेंगे, दोनों पैरों में अंतर, एक हाथ पीछे, दो, एकदम रिलैक्स बैठ जाएंगे, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, रिलैक्स बैठे या सीधी मांडी डालकर भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी एक नया आसन और हम सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है नौकासन। तो नौका इसका मतलब है बोट, आपको पुड़ी या बोट मालूम है, तो बोट जो होती है, तो इस आसन में अपने शरीर की अवस्था नौका जैसी होती है, इसीलिए इस आसन को नौकासन कहा गया है। ठीक है, यह आसन शयन स्थिति से ही किया जाता है, दो अंकों में किया जाता है, दो अंकों में छोड़ा जाता है। तो यह आसन को कैसे करें ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम सब करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यह आसन को दो अंकों में जो किया जाता है, तो शयन स्थिति में एक अंक में दोनों पैर जो है घुटने फोल्ड ना करते हुए थोड़े से ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री तक, और फिर उसके बाद दूसरे अंक में सांस भरते हुए पीठ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे, तो ये शरीर की अवस्था हो जाएगी नौका जैसी। इसमें घुटने सीधे हैं, पीठ सीधी है, खाली कमर से हमने फोल्ड किया हुआ है, हाथों से अंगूठे पकड़े हुए हैं। अगर आपको हाथों से अंगूठे ठीक से नहीं पकड़े तो आप घुटनों के पीछे सपोर्ट देके इस आसन को भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार आसन को छोड़ना भी है। एक अंक में पहले पीठ जमीन पर लगेगी, दूसरे अंक में दोनों पैर नीचे जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो पहले सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद हम सब करेंगे, अभी आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए नौकासन कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नौकासन, एक अंक में सांस भरते हुए दोनों पैर थोड़े से ऊपर उठाइए, एक, और दूसरे अंक में पीठ उठाइए और हाथों से अंगूठे पकड़े, अंगूठे अगर ठीक से नहीं होते तो जहां तक हाथ पहुंचते हैं वहीं आप पकड़ना है, और यहां शरीर को बैलेंस कमर के बल, मतलब ज्यादा पीठ की ओर भी जाना नहीं है, ज्यादा नीचे भी आना, इस प्रकार आपको बैलेंस संभालना है। समझ में आ रहा है? तो आसन छोड़ने के लिए एक में हाथ छोड़कर पीठ जमीन पर, एक, दो में पैर जमीन पर, दो, तो इस प्रकार यह आसन किया जाएगा। सबको ठीक से समझ में आया है ना? तो इसमें क्या है, थोड़ी सी कठिनाई बैलेंस संभालने में होती है, और कभी कभी हाथ पैरों के अंगूठे तक नहीं जाते हैं, तो और एक तरीके से भी यह आसन हम कर सकते हैं, उसको और एक बार हम देखेंगे। नौकासन, पहले सांस भरते उत्तान पदासन पूरा करें, एक, अर्थात दोनों पैर 90 डिग्री में, पहले हमने कम किए थे, अब हमें क्या करना है, हाथ हमारे अंगूठे तक जाते नहीं ना, तो दोनों हाथ घुटनों के पीछे पकड़ लीजिए और सांस लेते हुए आराम से कमर के बल बैलेंस करना है। देखिए इसमें थोड़ी आसानी है, अब कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता हाथ अंगूठे तक ले जा सकते हैं, शुरू में ये नहीं होगा पर कुछ समय में, कुछ प्रैक्टिस से ये जरूर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, तो आसन अब छोड़ेंगे, एक में पीठ जमीन पर, दो में पैर जमीन पर, रिलैक्स, आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, शवासन कर लीजिए। सबको समझ में आ गया कैसे करना है आसन? तो इस प्रकार ये आसन अब हम सब करके देखेंगे, उसके पहले ये आसन के लाभ क्या है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस आसन में हम पैरों को भी ऊपर उठाते हैं, पीठ को भी ऊपर उठाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेट पर बहुत अच्छा तनाव आता है, और पेट की दोनों जो बॉडी में फोल्ड होने के कारण उसमें भी थोड़ा सा दबाव आता है, जिसके कारण पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय हैं, यकृत है, लीहा है, अधोगत ग्रंथि है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे अंदर के इंद्रियों पर बहुत ही अच्छा सा दबाव आता है, और उसकी कार्यक्षमता, उसकी पाचन शक्ति बढ़ने के लिए ये आसन में बहुत ही सारे लाभ हमें मिलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो इसका ऐसे बहुत सारे लाभ है, तो इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर पहले से आपको पेट पे कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, तो आप ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी एक सावधानी इसमें है
कि कमर के बल आपको बैलेंस संभालना है तो ठीक से संभालिए, ज़्यादा घाई झटके नहीं करने, अपने से आहिस्ता आहिस्ता ये जरूर हो जाए, ठीक है। कभी सभी करके देखेंगे हम लोग, तो तैयार हो जाइए। अब बैठक स्थिति स्वस्थ में है तो पहले बैठक स्थिति में आइए, दोनों पैर मिला दीजिए, एक हाथ कमर के पीछे, दो। बैठक स्थिति से पहले हम चलेंगे शयन स्थिति में, एक में हाथ कोहनी पर, एक, पीठ पूरी तरह जमीन पर, दो। शयन स्थिति पूर्ण। अब शयन स्थिति से अभी जो आसन देखा है नौकासन वो हम करेंगे। पहले पैरों को थोड़ा उठाइए, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा जो इजी वर्जन है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो तैयार, पहले सांस लेते हुए दोनों पैरों को घुटनों में ना मोड़ते ऊपर उठाइए, एक, खाली 45 डिग्री तक, बहुत ही अच्छा। अब पीठ को उठाइए और दोनों हाथों से अंगूठे या घुटने के पीछे पकड़ने की कोशिश करें, दो। अरे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से हो रहा है, जिनको नहीं होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत अच्छे। आसन को छोड़ना है अभी, पहले पीठ जमीन पर, दोनों पैर जमीन पर, दो। रिलैक्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक बार ये आसन करके देखेंगे, जिनसे नहीं हुआ है वो दूसरे वर्जन से भी कर सकते हैं, तो उस प्रकार करेंगे। तैयार, एक में सांस लेते पहले द्विपाद उत्तरार्धांतर करेंगे, एक, दो में दोनों हाथों से घुटने के पीछे पकड़ लीजिए और स्लोली कमर के बल बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे से कर रहे हैं। अब कोशिश करें, जिनको होता है वो पैरों के अंगूठे पकड़े, नहीं होता है तो जितना हो उतना ही करेंगे, ज़्यादा घाई नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, बहुत ही अच्छे। आसन को अब आराम से हम छोड़ेंगे, पहले पीठ जमीन पर, फिर पैर जमीन पर, दो। रिलैक्स, बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छे से किया है। थोड़ा सा पहले शवासन करेंगे, तो शवासन, एक, दो, तीन, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला कर दें, मन को शांत करें। दो आसन अभी हम किए हैं, पहला किया है द्विपाद उत्तानपाद आसन और दूसरा हमने किया है नौकासन। शरीर में अगर कुछ तनाव हुआ है तो पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर ढीला, मन शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ते हैं, गर्दन सीधी, एक, हाथ शरीर के पास, दो, पैर मिला लीजिए, तीन। शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो। बैठक स्थिति से स्वस्थ, एक, दो। दोनों भी आसन आपने बहुत ही अच्छे से किए हैं, नौकासन और उत्तानपाद आसन। जैसे जैसे हम करते जाएंगे और अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। तो और आज एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है शलभासन। तो ये आसन विपरीत शयन स्थिति से किया जाता है, अर्थात पेट के बल लेटते हुए जो अवस्था है उसमें किया जाता है। तो ये जो शलभासन है, तो ग्रंथों में इसका जो नाम दिया गया है शलभासन, तो शलभ ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ग्रॉस हॉपर, नाक तोड़ा जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो प्राणी जो होता है ना वो है, तो उसकी अवस्था आपने कभी देखी है, तो जो घास के ऊपर बैठता है तो उसका मुंह नीचे रहता है और उसकी पूंछ ऐसे ऊपर रहती है, तो उसी की जैसे अपने शरीर की अवस्था इस आसन में, शलभासन में होती है, इसीलिए इस आसन का नाम दिया गया है शलभासन। समझ में आ रहा है? तो ये आसन कैसे करेंगे ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में सह शिक्षक गणेश जी आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद में हम सब करेंगे, ठीक है। तो शलभासन ये आसन में भी एक ही अंक में किया जाता है, एक ही अंक में छोड़ा जाता है। तो पहले अंक में सांस लेते हुए दोनों पैरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है, घुटनों को ना मोड़ते हुए जितना हम उठा सकते हैं, पूरा होने के बाद वहां स्थिर रहना है, सांस संत चलेगी। और आसन छोड़ते समय भी एक ही अंक में पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को आराम से जमीन पर रख देंगे। समझ में आ गया? तो आसन
ऐसे वर्णन करने में आसान है लेकिन थोड़ा कठिन है, इसलिए ये आसन भी आप एक ही पैर से भी कर सकते हैं। अगर आप ये एक पैर से करेंगे तो एक पाद शलवासन ऐसे उसका नाम हो जाएगा, और दोनों पैरों से करोगे तो द्विपाद शलवासन। तो सभी इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहले अब हम देखेंगे ये आसन कैसे किया जाता है। तो ये है अपनी विपरीत शयन स्थिति। विपरीत शयन स्थिति से अब हम देखते हैं शलवासन। इसमें अपनी ठुड्डी जमीन पर है, हाथों के तलवे जमीन को सपोर्ट किए हुए हैं, दोनों पैर एक साथ हैं। अब हम देखते हैं शलवासन को। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते दोनों पैरों को आराम से ऊपर उठाइए, इस प्रकार। देखा है आपने, घुटने सीधे हैं और कमर से पूरे दोनों पैर ऊपर उठाने का प्रयास किया है, ठुड्डी जमीन पर ही लगी हुई, ठुड्डी को उठाना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस ले, सांस छोड़ते आराम से नीचे, रिलैक्स। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। और एक बार हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ठुड्डी को उठा दे तो ऐसे नहीं करना है, घुटनों को भी सीधा रखना है, ये भी देखेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए पैरों को स्लोली ऊपर उठाइए, ये उठाने के बाद हम ऐसे ठुड्डी उठाते हो, हाँ ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ठुड्डी जमीन पर, और पैरों को भी यहाँ फोल्ड नहीं करना है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा रखेंगे, भले कम उठाए लेकिन बेंड नहीं करेंगे। आसन छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते आराम से पैर जमीन पर रखें, रिलैक्स। अब विश्राम कर सकते हैं। तो सबको समझ में आया कैसे करना है आसन। तो अब ये आसन हम सब करके देखेंगे, उससे पहले इसके लाभ क्या है ये हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसमें आपने देखा होगा अपने शरीर का जो वजन है पूरा पेट के बल आ जाता है, तो पेट में एक दबाव आ जाता है, इसके कारण पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय है, यकृत है, प्लीहा है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे इंद्रिय पर दबाव आने के कारण उसकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है, उसके जो अंतस्त्राव है वो अच्छे से तैयार होते हैं, जिससे हमारा पाचन और उत्सर्जन दोनों के लिए ये आसन का हमें लाभ मिलता है। उसी के साथ जब हम पैर ऊपर उठाते हैं तो अपने स्पाइन जो है उसका अंतिम भाग जो है कमर के पास, वहाँ बहुत ही अच्छे से तनाव आता है, तो उसके लिए इसका कार्यक्षमता बढ़ने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार ये आसन में बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। फिर भी एक बात को आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी को पहले से स्पाइन की बीमारी है अर्थात लंबर स्पॉन्डिलोसिस, तो वो ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। उसी प्रकार पेट का कुछ ऑपरेशन हुआ है, शल्य कर्म हुआ है, तो वो भी ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब करके देखेंगे सभी ये आसन। तो तैयार हो जाइए बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति में आना है, दोनों पैर मिलाइए एक, हाथ कमर के पास दो, बैठक स्थिति से विपरीत शयन स्थिति चले जाएंगे, बायां पैर पास एक, दाहिना पैर पास दो, दोनों हाथ आगे तीन, बायां पैर पीछे चार, दाहिना पैर पीछे पांच, शरीर नीचे छह, विपरीत शयन स्थिति पूरी कर लीजिए, पैरों के अंगूठे पीछे खींचिए, ठुड्डी जमीन पर और हाथों के तलवे जो है जमीन की तरफ। अब इस अवस्था में सभी तैयार हो जाइए शलभासन के लिए, बहुत आराम से करें, जल्दबाजी से नहीं करेंगे, थोड़ा भी उठा सकते तो भी चलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते दोनों पैर आराम से ऊपर उठाइए, वही थोड़ा स्थिर होना है, सांस रुकने की संभावना है तो सांस को चालू रखिए, बहुत ही अच्छे से किया आपने। आसन छोड़ने के लिए सांस ले, सांस छोड़ते पैर नीचे, रिलैक्स। आपने अनुभव किया होगा, दिखने में बहुत आसान है लेकिन बहुत ही अच्छा दबाव पेट में है, कमर पे में है, इसी के कारण हम ज्यादा नहीं उठा पाते, इसीलिए जितना होता है उतना ही करेंगे। और एक बार कोशिश करते हैं शलभासन, तैयार हो जाइए, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते दोनों पैर आराम से ऊपर उठाइए, वही स्थिर रखें, संत श्वसन, मन शांत, बहुत ही अच्छे से किए हैं। आसन छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते पैर जमीन पर, रिलैक्स।
पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। विपरीत शयन स्थिति से अब हम आएंगे बैठक स्थिति में। एक में दोनों हाथ छाती के पास, एक शरीर को ऊपर उठाइए, दो बायां पैर आगे ले आइए, तीन दाहिना पैर आगे, चार बैठक जमीन पर बायां पैर सीधा, पांच दाहिना पैर सीधा, छह बैठक स्थिति से बैठक स्थिति स्वस्थ में आ जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर, एक हाथ पीछे, दो रिलैक्स। तो इस प्रकार आपने शर्वासन बहुत अच्छे से किया है, प्रैक्टिस से और वो अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम एक और एक नया आसन सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है पद्मासन। तो पद्मासन ये स्वस्तिक आसन से थोड़ा और प्रगत अवस्था में है। तो पहले हम स्वस्तिक आसन करके देखेंगे जो हमने कल किए हैं, उसके बाद फिर पद्मासन नया सीखेंगे। तो पहले हम करते हैं स्वस्तिक आसन, उसकी प्रैक्टिस ठीक से होने के बाद पद्मासन भी करेंगे, ठीक है। तो सभी बैठक स्थिति में आ जाइए, हाथ कमर के बाजू में है, पैर एक साथ जुड़े हुए हैं। बैठक स्थिति से अब करते हैं स्वस्तिक आसन, दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए, एक बायां पैर फोल्ड कीजिए, दो और बायां पैर का तलवा जो है दाहिनी जांघ को लगाएंगे, तीन में दाहिना पैर फोल्ड कीजिए और दाहिने पैर का जो तलवा है बाएं जांघ के बीच डालिए, तीन चार में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चार मन शांत, पीठ और गर्दन सीधी रख दीजिए, बाकी का शरीर जितना हो सकता है ढीला छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे से किया है आपने, स्वस्तिक आसन अब छोड़ रहे हैं। एक में दोनों हाथ कमर की बाजू में, एक दो में ऊपर का जो दाहिना पैर है सीधा करें, दो बायां पैर सीधा, तीन दोनों पैर जोड़ दीजिए, चार स्वस्थ में बैठिए, हाथ पीछे, एक पैरों में अंतर, दो रिलैक्स। तो जैसे स्वस्तिक आसन ये प्रार्थना के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए उपयुक्त है, इसी प्रकार पद्मासन ये भी आसन बहुत ही अच्छा है। तो आज हम नया आसन सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है पद्मासन। ये पद्मासन जो है इसे योग शास्त्र में बहुत ही ऊंचा स्तर दिया गया है, सबसे आदर्श आसन माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसका उपयोग हम ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए कर सकते हैं। तो ये आसन का जो नाम दिया है पद्मासन, तो पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। तो कमल की फूल की जो पंखुड़ियां होती है वो जैसी फैली हुई होती है, उसी प्रकार की अपने पैरों की अवस्था इस आसन में होती है, इसलिए इसे पद्मासन कहता है। अर्थात एकदम सामने से दिखेगा नहीं, लेकिन अगर चार व्यक्ति गोलाकार अवस्था में बैठते हैं तो उनके जो घुटने हैं वो कमल की पंखुड़ी जैसे दिखेंगे और पैरों के तलवे, उसका भी एक विशेष शेप तैयार हो जाता है, इसलिए इसे पद्मासन कहा गया है, ठीक है। अब ये आसन कैसे करेंगे ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद में हमारे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर अब हम सब करेंगे, ठीक है। तो पद्मासन ये भी बैठक स्थिति के लिए आसन किया जा सकता है, और चार अंकों में हम करते हैं, चार अंकों में इसे छोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बैठक स्थिति से पहले अंक में पहले दोनों पैरों में अंतर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे अंक में दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करेंगे और दाहिने पैर का जो तलवा है बाई जांघ के ऊपर और शरीर के पास ऐसा रखें। तीसरे अंक में बायां पैर भी फोल्ड करेंगे और बायां पैर का जो तलवा है वो दाहिनी जांघ के ऊपर रखेंगे, समझ में आ गया। तो एड़ी के सामने एड़ी जाएगी और पैर उसके बाहर रहेंगे, कमर के पास रहेंगे, ठीक है। और चौथे अंक में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। तो ये है पद्मासन, इसमें पीठ गर्दन सीधी रहेगी, हाथों की ज्ञान मुद्रा रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी। तो आसन छोड़ना भी चार अंकों में है, पहले अंक में दोनों हाथ कमर के पास रखेंगे, दूसरे अंक में जो बायां पैर है उसे सीधा करेंगे, तीसरे अंक में दाहिना पैर सीधा करेंगे और चौथे अंक में दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के बैठक स्थिति में आएंगे। समझ में आ गया सबको ठीक से। तो ये आसन पहले हम करके देखते हैं, हमारे सहशिक्षक आपको दिखाएंगे, आपने सिर्फ देखना है, उसके बाद में हम सब करेंगे, ठीक है। तो पद्मासन के लिए आप तैयार हो जाइए, बैठक स्थिति से एक में दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए, एक दो में दाहिना पैर घुटने से फोल्ड करेंगे, दाहिना राइट पैर,
दो, और इसको फोल्ड करने के बाद एड़ी जो है जांघ के ऊपर और शरीर के पास ऐसे रखेंगे। तीसरे अंक में बायां पैर फोल्ड करेंगे, तीन, इसे दाहिनी जांघ के ऊपर रखेंगे। अब देखिए एड़ी के सामने एड़ी है और पैरों के तलवे बाहर की दिशा में कमल के पंखुड़ी जैसे है। और चार में दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा चार। इसमें फीट आपको सीधी रखनी है, गर्दन सीधी है और कोशिश करनी है कि दोनों घुटने जो जमीन को लग के रहेंगे। शुरू में ऐसे नहीं होता है, जितना आपने से होगा उतना ही करेंगे, लेकिन दोनों पैरों को जमीन को रखना ये आदर्श अवस्था है। ठीक है, आसन छोड़ रहे हैं। एक में दोनों हाथ कमर के बाजू में, दो में बायां पैर सीधा करेंगे, दो, तीन में दाहिना पैर सीधा, तीन, चार में दोनों पैर जोड़ के रखिए, चार। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार पद्मासन किया जाता है। इसे हम और एक बार ठीक से देखेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर एक बार देखते हैं, एक में दोनों पैर में अंतर, तो जितना अंतर आप लेंगे उतने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, दो में दाहिना पैर घुटने से फोल्ड, दो से तलवे को बाई जांघ पर रखें, तीन में बायां पैर फोल्ड, तीन उसे दाहिनी जांघ पर रखेंगे, और ठीक से होने के बाद थोड़ा सा बाहर खोलेंगे तो अपने आप घुटने जमीन पर आते हैं। और चार में दोनों हाथ घुटनों पर, चार, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ये है पद्मासन। आपको पीठ सीधी रखनी है, पीठ को बेंड नहीं करेंगे, इसी प्रकार हाथ भी ऐसे टाइट नहीं रखेंगे सर, ऐसे सीधे टाइट नहीं रखेंगे, यहाँ फोल्ड रखेंगे और कलाई बरबर। ठीक है, आसन छोड़ने के लिए पहले अंक में दोनों हाथ कमर के पास रखें, दूसरे अंक में बायां पैर सीधा करें, दो, तीसरे अंक में दाहिना पैर सीधा करें, तीन, चौथे अंक में दोनों पैर जोड़ दीजिए, चार। ठीक से समझ में आ रहा है आपको? आप चाहे तो शवासन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आसन अब हम सब करके देखेंगे। उससे पहले इसके भी कुछ अलग से लाभ है। एक तो ये योग शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जो भी आगे की प्रक्रिया है अंतरंग योग में, जो धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करते हैं, ये सारों के लिए ये आसन लाभदायक है। शुरू में ये कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस आसन में बैठ सकोगे। तो ये इसका बहुत ही अच्छा लाभ हमारे लिए। ठीक है, बाकी इसमें प्रिकॉशन या दक्षता ज़्यादा नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन घुटनों में अगर समस्या है, घुटनों में दर्द है, तो आप ये आसन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सब करके देखेंगे अभी। हाँ। तो तैयार हो जाइए, आप बैठक स्थिति स्वस्थ में है तो बैठक स्थिति में आ जाइए, पैर मिला लीजिए, एक, दोनों पैर हाथ कमर के बाजू में, दो। आप तैयार पद्मासन के लिए, पहले अंक में दोनों पैर में अंतर लीजिए, एक, दूसरी अवस्था में अपना दाहिना पैर घुटने से फोल्ड करें, दो, दाहिने पैर का तलवा जो है बाई जांघ पर रखना है, तीन में बायां पैर घुटने से फोल्ड करें, तीन, बायां पैर का तलवा दाहिनी जांघ के ऊपर, उसको ठीक से करने के बाद चौथे अंक में दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, चार। बहुत ही अच्छे से किए हैं, आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है। पीठ को थोड़ा सीधा रखिए, शुरू में घुटने जमीन पर नहीं लगते, कोई समस्या नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो लग जाएंगे। मन शांत रखिए, सांस संत गति से चलने दीजिए। अब आसन को छोड़ेंगे, एक में दोनों हाथ कमर के बाजू में, एक, दो में ऊपर का बायां पैर सीधा, दो, तीन में दाहिना पैर सीधा, तीन, दोनों पैर जोड़ दीजिए, चार। बहुत ही अच्छे बैठक स्थिति में आने हैं, और एक बार सिर्फ करके छोड़ देंगे। और एक बार करते हैं पद्मासन, एक में दोनों पैरों में अंतर, एक, दाहिना पैर फोल्ड, दो, बायां पैर फोल्ड, तीन, हाथ ज्ञान मुद्रा, चार। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। आसन को छोड़ देंगे, हाथ कमर की बाजू में, एक, बायां पैर सीधा, दो, दाहिना पैर सीधा, तीन,
दोनों पैर जोड़ के रखिए, चार। अब आगे हम दीर्घ श्वसन करेंगे, प्राणायाम की तैयारी। पहले हम शवासन करेंगे, तो बैठा स्थिति से आप शयन स्थिति में चले जाइए, एक दो, शयन स्थिति पूर्ण, शवासन करेंगे, पैरों में अंतर, एक, हाथ थोड़े से दूर, दो, गर्दन किसी एक तरफ, तीन, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत। जो अलग अलग आसन हमने किए हैं उससे शरीर में कुछ तनाव हुआ है, सांस भी थोड़ी सी फूली हुई है, तो शवासन से शरीर पूरा रिलैक्स हो जाएगा, सांस भी अपने आप धीमी गति होने लगेगी और इससे हम आगे प्राणायाम दीर्घ श्वसन अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक, दोनों हाथ शरीर के पास, दो, पैर मिला लीजिए, तीन, बैठक स्थिति में आना है, एक, दो, स्वस्थ, एक, दो। तो आज का अभ्यास हम यही पूरा करते हैं, तो इसके आगे हम दीर्घ श्वसन करेंगे, ओंकार करेंगे और आप आज का शिविर पूरा करेंगे। अब एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, हम दो दिन से दीर्घ श्वसन कर रहे हैं, अर्थात सुलभ प्राणायाम। तो इसमें हमने क्या किया, अपनी क्षमता से जितनी हो सकती है हवा भर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्षमता के अनुसार छोड़ रहे हैं, अर्थात अपना अपना जैसे होता है वैसे किया है, लेकिन प्रैक्टिस से हमें इसकी क्षमता बढ़ानी है, अपने फेफड़ों की जो क्षमता है पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज हम क्या करेंगे, ये जो हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, तो 4 सेकंड सांस भरने का प्रयास करेंगे और 4 सेकंड सांस छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, तो मैं आपको अंक भी दूंगा, तो जैसे मेरे अंक आपको सुनाई देंगे उसके अनुसार आपने सांस भरते रहना है। समझ में आ गया, तो मैं बोलूंगा सांस लीजिए तो आपको लेना शुरू करना है, फिर 1 2 3 ऐसे 3 ही अंक मैं दूंगा, क्योंकि सांस लेना 1 अंक है, 3 ऐसे 4 अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार सांस छोड़ो ऐसे बोलूंगा तो आपने सांस छोड़नी है और 4 सेकंड पूरे छोड़ना। समझ में आ गया, लेकिन अंक मैं दे रहा हूँ ये आपको समझने के लिए 4 सेकंड हो रहे हैं, इसका अर्थ अंक की जैसे झटका नहीं देना है, स्मूथली एक जैसी हवा भरेंगे एक जैसी हवा छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार सह शिक्षक के जरिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, देखने के बाद आपको और समझ में आएगा, ठीक से कर पाओगे, ठीक है। मेरी सूचना सह शिक्षक के लिए, तो पद्मासन या स्वस्तिक आसन कोई भी आसन में आप कर सकेंगे, अगर जिसको दोनों में तकलीफ है आप सीधी मांडी डाल के भी कर सकते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, दीर्घ श्वसन के लिए तैयार। शुरू करते हैं, सांस ले, 1 2 3 छोड़िए, 1 2 3 सांस ले, 1 2 3 सांस छोड़ी, 1 2 3 रुकना है, संत श्वसन। तो ये आपने ठीक से देखा है, तो एक बात को ध्यान में रखना है कि चेहरे पर तनाव नहीं, कंधों में तनाव नहीं और सांस के साथ झटका भी नहीं देना है। एक बार गलत कैसे होता है आपसे ये हमको दिखाना है आपको, तो हमारे सचिव आपको दिखाएंगे कि झटका नहीं देना है, चेहरे को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, चेहरे पे तनाव भी नहीं लेना है, फिर आप देख सकते हैं अभी, फिर एक बार देखते हैं हम लोग, तैयार, सांस ले, 1 2 3 छोड़िए, 1 2 3 समझ में आ गया ना। तो ऐसे कंधों को खींचना नहीं है, चेहरे को खींचना नहीं है, आराम से खाली सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। समझ में आ गया सबको, करके देखेंगे अभी सभी, तो सब तैयार हो जाइए। स्वस्थ से पहले बैठक स्थिति, पैर जोड़ दीजिए, 1, हाथ कमर के पास, 2। अब आप स्वस्तिकासन करें या पद्मासन करें या सीधी मंडी, तैयार, पैरों में अंतर, 1, दाहिना पैर फोल्ड, 2, बायां पैर फोल्ड, 3, हाथ ज्ञान मुद्रा में, 4।
आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत रखिए, पीठ और गर्दन सीधी है, बाकी पूरा शरीर ढीला छोड़िए, पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला, सांस अपने आप चल रही है, थोड़ा सा ध्यान सांस की ओर, संथ गति से हवा आ रही है, संथ गति से जा रही है, इसका अनुभव करें। तब तैयार हो जाइए, चारक में सांस भरेंगे, चारक में छोड़ेंगे। तैयार, शुरू करते हैं। सांस ले, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन, लीजिए, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन, सांस ले, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन, लीजिए, एक दो तीन, छोड़िए, एक दो तीन, लीजिए। अपना अपना शुरू रखे, इसी प्रमाण में चार सेकंड हम सांस भर रहे हैं, चार सेकंड छोड़ रहे हैं, इसे शुरू ही रखे अपना, पूरे ध्यान से करें। मन का पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर रखे, अर्थात ध्यान से नाक के अग्रभाग में देखिए, हवा अंदर आते समय स्पर्श हो रहा है, उसे महसूस करें। सांस लेते समय भी प्राण शक्ति का स्पर्श महसूस करना है, सांस छोड़ते समय भी प्राण शक्ति को महसूस करें। पूरे ध्यान से करते रहिए। अगर किसी को बीच में थकान होती है, अस्वस्थ लगता है, तो आप रुक भी सकते हैं, अन्यथा हम 5 मिनट तक इसे शुरू रखेंगे। संत गति से पूरी हवा भरते रहिए और संत गति से पूरी हवा छोड़ते रहिए, बहुत ही अच्छे से पूरे ध्यान से करते रहिए। भरपूर प्राण शक्ति शरीर के अंदर भर लीजिए और सांस छोड़ते समय शरीर की सारी अशुद्धि बाहर फेंक दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर है, कोई तनाव नहीं है, चेहरे पर आनंद ही आनंद रखे। हाथों की जो ज्ञान मुद्रा है, कोई लोगों ने थोड़ी ऐसी टाइट की है, तो ज्ञान मुद्रा भी ढीली रखें। शरीर का कोई भी भाग टाइट नहीं है, जकड़ा हुआ नहीं है, रिलैक्स, सिर्फ पीठ और गर्दन सीधी है, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। संत गति से पूरी हवा भरने का प्रयास, संत गति से पूरी सांस छोड़ने का प्रयास, अच्छे। इसके कारण फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा और इसी के कारण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है और दिन भर हम फ्रेश रहेंगे। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के कारण कोई भी बीमारी अपने शरीर के पास नहीं आएगी। इतनी अच्छी शरीर और इतना अच्छा मन इस प्राणायाम से हमें प्राप्त होता है। तो जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए और सांस छोड़ने के बाद आपको रुकना है, रिलैक्स, शांत बैठे और इसी शांत अवस्था में ओंकार का गुंजन करते हुए आज का शिविर हम समाप्त करेंगे। तैयार,
आराम से आंखें खोल दीजिए। पर्वतासन करेंगे, एक दो, शरीर को ऊपर की दिशा में पूरी तरह खींचना है। पर्वतासन छूटना है, एक दो, शरणागत मुद्रा करेंगे, एक हाथ बाजू से ऊपर नमस्कार स्थिति, दो, आराम से आगे झुकना है। अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण कीजिए। मुद्रा छोड़नी है, दोनों हाथ ऊपर, एक, हाथ बाजू से ज्ञान मुद्रा में, दो। जो आसन है उसे हम छोड़ेंगे, हाथ कमर की बाजू में, एक, एक पैर सीधा, दो, दूसरा पैर सीधा, तीन, दोनों पैर मिला लीजिए, चार, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, एकदम ढीला कीजिए, एकदम ढीला। पैर रिलैक्स होते ही दंड स्थिति में आना है, बायां पैर पास लीजिए, एक, दाहिना पैर पास, दो, दंड स्थिति पूर्ण, तीन, वृक्षासन करेंगे, एक, दोनों हाथ बाजू से ऊपर नमस्कार स्थिति, शरीर को ऊपर खींचिए, दो, इडिया उठाने का प्रयास, बैलेंस संभाल लीजिए। आसन छोड़ना है, इडिया जमीन पर, एक, हाथ बाजू से नीचे, दो। हरिओम हरिओम।